फ्रेंड्स, आज हम आए हैं दरियागंज और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आज हम एक ऐसे शॉप पे आए हैं जहाँ बुक नोटबुक जो है 70 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, इस हिसाब से किलो के हिसाब से यहाँ पे मिलते हैं। और ये एक होलसेल मार्केट है और यहाँ पे आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। लेकिन आज हम यहाँ पे आपको जो है रिटेल प्राइस बताएंगे, यहाँ पे रिटेल भी मिल जाते हैं, तो रिटेल प्राइस के बारे में आपको जानकारी देंगे। हाँ, अगर आप होलसेल में लेना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कम लग जाएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मोनू सिंह और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, लोकेशन से आप गेस करें कि किस टाइप का यहाँ शॉप है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ बहुत ही बल्क में मिलते हैं बुक और नोटबुक। क्या प्राइस होगा बुक और नोटबुक का? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है नोटबुक मात्र 80 रुपए से केजी जो है स्टार्ट है। नोटबुक की बात करें तो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक दो सैंपल दिखाता हूँ। अभी मैं आपको पूरी शॉप जो है वो विजिट करवाऊंगा। इस टाइप के जो है आपको नोटबुक मिल जाते हैं मात्र 80 रुपए से स्टार्टिंग है, 80 रुपए पर केजी। और बुक की बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग जो है सारे बुक मिल जाएंगे। देख सकते हैं कुछ काइंड के बुक है और यहाँ पे आपको खाना के बुक वगैरह वगैरह, मतलब इतना बुक मिल जाएगा कि आपको 10,000 से ज्यादा बुक मिल जाएंगे। यानी कि 10,000 डिजाइन का, मान लीजिए बच्चों का है, खाना का, खजाना का वगैरह वगैरह। हाँ, यहाँ पे आपको क्या नहीं मिलेगा, जैसे आप बिहार में रहते हैं आपको 10th का बुक चाहिए, 9th का बुक चाहिए, यूपी में रहते हैं 9th का बुक चाहिए, 10th का बुक चाहिए, तो ये सब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बट हम बुक की बात करते हैं, यहाँ पे ये बहुत बड़ा है और इनका खुद का मैन्युफैक्चर है। कैसा मैन्युफैक्चर? खुद इनकी प्रिंटिंग प्रेस है और ये खुद बुक छापते हैं, खुद जो है नोटबुक छापते हैं और ये खुद जो है इनका बहुत बड़ा शॉप है। और ये शॉप जो है दिल्ली दरियागंज में स्थित है। ये लाल किला से थोड़ा सा जो है इस तरफ दिल्ली रेलवे स्टेशन की है, यानी 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जामा मस्जिद के पास है मार्केट दरियागंज। यहाँ का मैं फुल एड्रेस नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हम थोड़ा सा फटाफट जो है विजिट करते हैं और आपको बताते हैं कुछ प्राइस के बारे में। यहाँ पे आप शॉप का लोकेशन देख सकते हैं कितना बड़ा है। थोड़ा सा उस तरफ भी दिखा, उस तरफ आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इनका ये मतलब शॉप है। इनकी गोदाम की बात करें तो गोदाम पे हम नहीं जा रहे हैं, और इनका गोदाम भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने डिजाइन मिल जाते हैं। चलिए हम थोड़ा सा जो है आपको प्राइस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे क्या मिलता है, बच्चों के बुक वगैरह मिलते हैं, इस टाइप के बुक मिलते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे है 75 रुपीज, देख सकते हैं ये मात्र 75 रुपीज की है। इसका प्राइस है 75, लेकिन ये मिलता कैसे है, यहाँ देखिए 200 रुपए केजी है, 200 रुपए केजी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एक केजी की हम बात करें तो कम से कम जो है ये आपका 10 से 15 पीस जो है आराम से ये आ जाएगा एक केजी पे, तो लगभग 1,000 रुपए का होगा और यहाँ मात्र 200 रुपए का। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए हम इस तरफ आ जाते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए, ये है 200 रुपए नोवेल, चिल्ड्रेन नोवेल है, यहाँ पे 200 रुपए केजी है। और यहाँ देख सकते हैं इसका प्राइस, देख सकते हैं ये डॉलर में 2.99 डॉलर, यानी कि आप अनुमान कर सकते हैं कि ये 200 के करीब का बुक है और 200 रुपए केजी मिल रहा है। एक केजी में ये तकरीबन जो है 8-9-10 पीस आ जाएंगे, एक केजी में लगभग 9-10 पीस आ जाएंगे, ये लगभग अनुमानित है। चलिए अब हम चलते हैं इस तरफ और आपको दिखाते हैं। चल पहले मैं इधर चलता हूँ फिर उस तरफ चलता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 200 रुपए केजी है। और यहाँ देख सकते हैं ये सब बुक है। और यहाँ आप देख सकते हैं 21.99 डॉलर है। तो आप सोच सकते हैं ये तकरीबन जो है 1200-1300-1400 रुपए का ये बुक है। और यहाँ पे 200 रुपए केजी, आपको ये 3 बुक जो है 1 केजी में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से सस्ते मिलता है पूरे इंडिया के अंदर में। यहाँ इस मार्केट से जाता है माल, तो आप यहाँ से काफी सस्ते रेट में ले सकते हैं। अब हम यहाँ इस तरफ आते हैं तो यहाँ देखिए बहुत सारे छोटे जो है यहाँ पे आपको इस टाइप के बुक वगैरह मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं ये काइंस वगैरह के लिए है, बिरगो क्या क्या है, लिब्रा, तो इस टाइप के है। इसकी प्राइस की बात करें, इसका प्राइस जो है 99 रुपीज है, यानी 99 रुपए है। और ये सब जो है आपको 200 रुपए केजी मिल रहा है। और एक केजी में बात करें तो तकरीबन जो है ये 10 या 12 पीस आएंगे लगभग 1 केजी में। अब
अब हम आ जाते हैं इस तरफ, इस तरफ आप देख सकते हैं ये भी 200 रुपए केजी है, 200 रुपए केजी है। और यहाँ पे खाना के तरह तरह के व्यंजक है, थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखा ऊपर से, यहाँ पे देखिए इस तरह के खाना मिल जाते हैं। यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों बुक जो है उपलब्ध होता है, लगभग 200, 300, 250 इस तरीके से जो है इसका प्राइस है। इस तरफ आते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे बुक जो है मिल जाएंगे। हम बात करते हैं यहाँ पे 100, 150, 200 रुपए केजी बुक मिलेंगे, और देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको डायग्राम बुक मिल जाते हैं। इस बुक की बात करें तो ये 150 रुपए केजी है, और यहाँ पे ये कम से कम जो है 30 पीस आने वाले, बहुत पतला है। हम चलते हैं, देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है। अब हम इस तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं बुक नोटबुक के बारे में। अब देख सकते हैं यहाँ बच्चों के बुक यहाँ पे मिल रहे हैं, इस टाइप के बुक जो है बहुत आप देखते होंगे मार्केट में बिकते हुए। तो और यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये 200 रुपए केजी है, एक केजी में तकरीबन जो है ये 12 पीस के आसपास आएगा, एक अनुमानित है। और एक पीस का रेट आप देख सकते हैं ये 120 रुपए है, तो एक पीस आपको 120 रुपए मिल रहा है। और यहाँ देखिए ये 200 रुपए केजी है, प्राइस को लेकर आपके साथ धोखा नहीं होगा यहाँ पे कभी भी, क्योंकि प्राइस यहाँ पे सब पे लगे हुए हैं। और हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, कुछ फाइल फोल्डर भी यहाँ पे मिलते हैं, तो वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बुक है और यहाँ पे नोटबुक देख सकते हैं, यहाँ नोटबुक देखें 100 रुपए केजी, आप कोई सा भी नोटबुक ले, हाँ 80 रुपए भी यहाँ पे मिल जाएंगे, थोड़ा सा क्वालिटी का फर्क आ जाएगा। देखिए एक नंबर की क्वालिटी है यहाँ पे, और आपको ये मिल रहा है मात्र 100 रुपए केजी। इस टाइप की बुक की बात करें तो ये तकरीबन जो है 40 रुपए के आसपास जो है मार्केट में बिकता है, और एक केजी में ये मान के चल सकते हैं कि आपका 7-8 पीस जो है आ जाएगा, एक केजी में 7-8 पीस आराम से ही आ जाएंगे। तो इस हिसाब से आप अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितना सस्ता मिल रहा है। अब ये वजन पे डिपेंड करता है कितना आता है, लेकिन 4 से 5 गुना आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं, इस तरफ थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको कुछ अलग ही नोटबुक मिल जाता है। देखिए ये थोड़ा हैवी वाला है, थोड़ा सा और बेहतर क्वालिटी वाला है, जो आपको यहाँ पे 150 रुपए मिल रहा है। फाइल वगैरह है देख सकते हैं, तो इस टाइप के जो है आपको 150 रुपए के जी मिल रहा है। डायरी टाइप का ये नोटबुक है, तो ये 150 रुपए के जी है। अब हम यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, ये देखिए अब यहाँ पे ये ग्लोबल भी मिल जाता है, और ये कितने का मिलता है थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से भैया इसका क्या रेट है, 150 रुपए का बड़ा वाला 150 रुपए का है, पूरा समझिए पृथ्वी है ये ग्लोबल, तो ठीक है 150 रुपए का है। यहाँ पे मार्केट में आप अपने अनुमान जाके देखिए कि वहाँ पे कितना मिलता है, जरूर आपको 400-500 रुपए में कम से कम जो है जरूर मार्केट में आपके मिलेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ऐसे आइटम मिल जाते हैं, सारा मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। और यहाँ देख सकते हैं ये जो डायरी है मात्र 99 रुपीज की मिल रहा है, सब कुछ जो है वो लिखा हुआ है, इसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देख सकते हैं चौड़ी है ना, थोड़ी चौड़ी। अब हम इधर आ जाते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको और भी मिल जाते हैं, ये 200 रुपए के जी है। यहाँ देखिए ये सब भी 200 रुपए के जी है, यहाँ पे आपको पेन कलम पेंसिल भी मिल जाता है, और मार्केट में आपने देखा होगा कि ये सब जो है 5 रुपए आराम से मिल जाता है। और बात करें भैया ये कितने का है, 20 रुपए का पैकेट है, हो सकते हैं ये 20 रुपए का मात्र पैकेट है, 5 रुपए आपको जाने वाला है, 5 रुपए के यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कोई ये झूठा वीडियो नहीं है कि मैं अपने व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कुछ झूठा नहीं, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों के पास सही जानकारी देना। हाँ इसमें कुछ ऐसा भी है आपको 18 रुपए मिल जाए, कुछ 17 रुपए मिल जाए, ऐसा भी इसमें है। तो और देख सकते हैं इस तरफ आप देख लें, अगर हम एक पीस की बात करें तो यहाँ पे जो है 20 रुपए पीस के हिसाब से ये मिलने वाला है, और मार्केट की बात करें तो 100 रुपए। देखिए 20 रुपए का जो मिल रहा है यहाँ पे, आपको बाहर जो है 100 रुपए का मिलने वाला है। अगर आप नोटबुक वगैरह जो है मंगाते हैं या बुक मंगाते हैं, तो ऑनलाइन सुविधा यहाँ पे कम से कम 10,000 रुपए का मंगाते हैं तो आपको ऑनलाइन सुविधा यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, 5,000-10,000 डिजाइन आपके पास भेज पाना संभव नहीं है। आपको किस टाइप का बुक चाहिए फोटो एक लोकेशन के हिसाब से दे देंगे, ऐसे ही आपको जो बुक चाहिए आप रिटर्न जो है व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है ना, आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप इस मार्केट में जरूर से जरूर विजिट करें, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मार्केट में आप जरूर विजिट करें फ्रेंड्स, यहाँ का मैं फुल एड्रेस नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो जरूर चेक करें। अब हम थोड़ा सा इधर चलते हैं, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं पेंसिल वगैरह है। पेंसिल की बात करें तो 100 के 3 पैकेट 100 के 3 पैकेट
सौ का तीन पैकेट है, 100 रुपए का तीन पैकेट है, और ये बिकता कितने का है सर? देखिए वाला मार्केट में 50 का, यहाँ आपको मिलेगा। अच्छा, देख सकते हैं मार्केट, ये मार्केट में कितने का बिकता है? 50 रुपए का। यहाँ कितने का मिलेगा? 100 के तीन पैकेट यानी लगभग 33 रुपए आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 17 रुपए का एक पैकेट में आपको फर्क होने वाला है। और इस तरीके से आप मार्केट में देख सकते हैं, ये मार्केट में कितने का मिलता है सर? 40 रुपए का। और यहाँ पे कितने मिलेंगे सर? 100 में 3 ये भी मिलेंगे। तो देख सकते हैं नटराज का है, तो छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, नटराज बहुत बड़ा ब्रांड है। देख सकते हैं यहाँ पे जो आप लोकल लेते हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन अगर एक ब्रांड का आइटम लेते हैं तो वहाँ पे आपको कम बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे कलर पेंसिल वगैरह का ये सब भी मिल जाते हैं। उसकी बात करिए किसी का 10 रुपए का, ये सब होलसेल है, रिटेल प्राइस है। अच्छा, यहाँ पे जो बताया है जो भी है ये होलसेल प्राइस नहीं है, ये रिटेल प्राइस है। हम एक बार जान लेते हैं, अगर होलसेल में कोई लेता है आपको 1000 पीस या 500 पीस लेता है, अगर आपको 30 रुपए लगाता है, 40 रुपए। ओके, 10 पीस लेते हैं तो ये 30 रुपए लगेगा। तो यहाँ पे बात कर लीजिएगा, ये सब जो है होलसेल में आपको और भी सस्ता मिल जाएगा, बट बुक वगैरह जो है वो सेम रेट रहेगा होलसेल में या कम हो जाएगा? होलसेल में कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको रेट बताया ये एक रिटेल रेट है। यहाँ पे आप होलसेल में लेते हैं तो आपको और भी कम हो जाएगा। आप बात कर लीजिएगा अपने अनुसार, फोन पे बात करके या व्हाट्सएप पे आप बात करके ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे 5 फोटो के बारे में जान लेते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, ये पैड है, पैड कितने का सर? ये 50 रुपए का मेटल का है। 50 रुपए का ये मेटल का, ये सब रिटेल प्राइस है। होलसेल में आपको 5-10 रुपए और भी कम हो जाएंगे, तो होलसेल के लिए आप जरूर बात कर ले। मैं आपको बता दूं, ये रिटेल के लिए ही मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, होलसेल के लिए आप बात कर लीजिएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस टाइप के भी मिल जाते हैं। ये कितने का पंच? रिटेल में 70 रुपए का। एमआरपी की हम बात करें तो यहाँ पे एमआरपी जो है 80 रुपए एमआरपी है। तो आप देख लीजिएगा, होलसेल में आपका कम हो जाएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। और यहाँ पे आपको 5 फोल्डर वगैरह भी मिल जाते हैं। तो ये 5 फोल्डर की कितने रुपए केजी है? 300 केजी, 300 रुपए केजी है। एक केजी में कितने आ जाएंगे? 25-30 पीस आ जाएंगे। तो 10 रुपए ये पड़ने वाला है, थोड़ा सा जो है स्टैंडर्ड है। मार्केट में बात करें तो ये लगभग 20 रुपए में जाने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नोवल है 100 रुपए केजी है। यहाँ देख सकते हैं 100 रुपए केजी है। और हम बात करते हैं इसकी एमआरपी की, तो एमआरपी लगभग 14.99 यानी $15 है, यानी कि मान के चल सकते हैं 1000 रुपए का एक बुक है। एक केजी में बात करें तो लगभग ये 3 पीस आएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कुल मिला के यहीं पे खत्म हो चुका है, और मैं आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं बताऊंगा। इस मार्केट का पूरा एड्रेस जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मेरा फुल मकसद होता है कि आप लोगों को एक मार्केट बता सकूँ, एक शॉप बता सकूँ जहाँ से आप परचेज कर सके, अपना बिजनेस जो है शुरू कर सके। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रिटेल में प्राइस बताऊँ आपको, जो भी प्राइस बताऊँ ये रिटेल में प्राइस है। होलसेल के लिए आप बात कर सकते हैं दुकानदार से, होलसेल में आपका और भी कम हो जाएगा, क्योंकि होलसेल में जो है रेट ओपन नहीं करना चाहते, इसलिए वो रेट को नहीं बता रहे। तो ठीक है, फिलहाल मेरा वीडियो आज का इतना ही रहा। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, नीचे देखिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का घंटा जरूर प्रेस करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यार एक बार लाइक शेयर तो कर दो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।